अन्ना की फिल्म गली गली चोर है की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई सोशल एक्टिविस्ट अन्ना हजारे के लिए। उनके साथ ही राड़ेगांव सिद्धि विलेज के लगभग 2000 लोगों ने इस स्क्रीनिंग को अटेंड किया। यहां अन्ना ने फिल्म की कास्ट को कंग्रेचुलेट किया और अपनी खुशी जाहिर की। वेटरन एक्ट्रेस शबाना आजमी को इस साल पद्म भूषण अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है। इस बात को लेकर शबाना है काफी हम्बल्ड और रिसेंटली उन्होंने मीडिया के जरिए अपनी खुशी जाहिर की। कुछ दिन पहले ये खबर आई थी कि अजय देवगन और कंगना रनौत के बीच काफी कहासुनी हुई और अजय ने कंगना के साथ कभी ना काम करने का फैसला किया है, मगर कंगना ने इसके बावजूद उनकी फिल्म तेज की खातिर अजय के साथ फिल्म को प्रमोट करने के लिए अपनी हामी भर दी है, क्योंकि कंगना नहीं चाहती कि उनके पर्सनल राइवलरी की वजह से फिल्म को किसी तरह का नुकसान हो। रिसेंटली दीपिका पादुकोण ने एक पॉपुलर लॉन्जरी ब्रांड का ऑनलाइन इंडिया फैन पेज लॉन्च किया। उन्होंने सेंट्रल मुंबई के एक मॉल में इसी ब्रांड का स्टोर भी इनॉग्रेट किया, अनवीलिंग द ब्रांड्स डिफरेंट कलेक्शंस।